तो सही तरह याद नहीं है, लेकिन हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी पीछे? हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, गागा लड़ी वाला। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी, आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। अच्छा। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी, और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही थे, उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो चार लोग बैठे थे ना? पांच थे। ड्राइवर को लेकर के? हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा, पांच लोग उसके। अच्छा, साथ मनीष? मनीष, हाँ भाई आपका। हाँ, छोटा। अच्छा अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका किसी ने, आपके साथियों ने किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। और किसी को भी गोली लगी है आपको? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है उनको मैंने देखा कि जब मैं, मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था। अच्छा। उनको लगी है शायद। किसको? डॉक्टर बजपाल जी को। और आपके पास ही होंगे आप जानकारी, तो मुझे इतना याद नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट हुई अचानक जब गोली चली, तो मैंने फिर एक सहारनपुर के वरिष्ठ अधिकारी को मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे गोली चली है और मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है गोली लगती है। देवबंद पुलिस को सूचना मिली करीब 5:15 बजे, ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्यवाही होगी वो विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी।